अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग कराची से मिशिगन। तो कराची से मिशिगन में अक्सर मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग मुझसे अपनी I-130 की या जो USCIS की फर्स्ट पिटीशन फाइल करने के बाद जो भी प्रोसेसिंग टाइम होता है, वेलकम लेटर आने तक का टाइम होता है, उसके बारे में मुझसे बहुत से सवालात करते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर होगा, कहाँ से हम चेक कर सकते हैं। May 2022 को USCIS ने एक डेजिग्नेटेड वेबसाइट जो कि पहले से डेजिग्नेटेड थी इस चीज़ के लिए, जहाँ पे आप जाके अपने प्रोसेसिंग टाइम्स को चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से अब बहुत आसान हो गया है हर एक इंडिविजुअल के लिए कि वो खुद से अपना उस टूल को यूज़ करके प्रोसेसिंग टाइम जो है वो मालूम कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही करना सिखाऊंगी, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। के बगैर हम आ गए हैं गूगल पे और देखते हैं कि कैसे हम पहुंच सकते हैं उस वेबसाइट तक जहां पे हमें मिलेगा USCIS का प्रोसेसिंग टाइम। तो ये हमारे पास सबसे ऊपर ही आ रहा है क्योंकि हम इसे चेक करते रहते हैं। प्रोसेसिंग टाइम सब आ गया है USCIS केस स्टेटस। तो इससे हमने यहाँ पे ये आपको पेज दिखाई देगा जिसमें लिखा है US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। तो इसके थ्रू आपने यहाँ पे आके ये अभी पहले जो है इसमें फॉर्म कैटेगरी का ऑप्शन नहीं देते थे, ये अभी May 2022 में ही ये अमेंडमेंट हुई है जिसके बाद आप अपनी कैटेगरी डाल के स्पेसिफिक जैसे CR1 का चेक कर सकते हैं कि उसका टाइम कितना लग रहा है डिफरेंट सर्विस सेंटर में। तो सबसे पहले हम इस पेज पे आ गए, जैसे मैंने आपको दिखाया फॉर्म हम सेलेक्ट करेंगे फॉर इंस्टेंस I-130 क्योंकि बहुत कॉमन होता है, बहुत लोग पूछते हैं। इसका नाम है पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव। अब फॉर्म कैटेगरी पे आए और यहाँ पे हमने फॉर इंस्टेंस कर लिया कि परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर स्पाउस और चाइल्ड अंडर 21 ईयर्स या US सिटीजन फाइलिंग फॉर स्पाउस। तो अब अगर आपका स्पाउस जो है वो US सिटीजन है तो आपने ये वाली कैटेगरी चूज करके यहाँ पे सेलेक्ट करना है, US सिटीजन है आपका स्पाउस और आप I-130 एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं। अब आपको अपना सर्विस सेंटर देखना है तो हम चेक करते हैं टेक्सस सर्विस सेंटर गेट प्रोसेसिंग टाइम। तो ये हमें दे रहा है एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग टाइम 11.5 मंथ। अच्छा, ये उस स्टेज के लिए है जब I-130 की एप्लीकेशन अप्रूव होती है, ये मैं पूरे वीज़ा की बात नहीं करी, ये जो USCIS का स्टेप होता है फर्स्ट अप्रूव होने तक। तो I-130 के केसेस में जो कि टेक्सस सर्विस सेंटर पे हैं उनमें 11.5 मंथ्स इन जनरल लग रहे हैं। अब हम इसी को कर देते हैं कि US सिटीजन फाइलिंग फॉर स्पाउस पेरेंट और चाइल्ड अंडर 21 है, लेकिन हम इसमें सर्विस सेंटर लिख देते हैं पोटोमैक का। तो इस सर्विस सेंटर का हम प्रोसेसिंग टाइम चेक करते हैं, इसका प्रोसेसिंग टाइम भी आपके पास 12 मंथ्स आ रहा है। अच्छा, अब हम इसी चीज़ को कर देते हैं कि परमानेंट रेजिडेंट अगर फाइल कर रहा है जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर है अगर आपका स्पाउस और आपके लिए अप्लाई किया है उसने और फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर में है, तो प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं तो 24.5 मंथ्स लग रहे हैं अगर आपका स्पाउस जो है वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, सिटीजन नहीं है, तो इतना टाइम लग रहा है कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर में अगर आपका केस है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे US सिटीजन से देखते हैं, अगर आपका स्पाउस US सिटीजन है और कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर में आपका केस है तो अंदाजन आपको कितना टाइम लगेगा। तो देखें आपको 9.5, अब फ़र्क देखें, आप लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि ग्रीन कार्ड होल्डर है कितना टाइम लगेगा और US सिटीज़न है, तो फ़र्क देखें कि सिटीज़न का वेट 9.5 मंथ्स आ रहा है और कैलिफोर्निया में ही, और अगर ग्रीन कार्ड होल्डर है आपका स्पाउस तो 24.5 मंथ आ रहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा, कोई और कैटेगरी देख लें आप, एम्प्लॉयमेंट की देख लें यहीं पर होती है, किसी की भी और की देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन के लिए अगर आपका केस होता है जैसे H-1B नॉन इमिग्रेंट वीज़ा और फॉर इंस्टेंस ये वर्मोंट सर्विस सेंटर में है तो इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, तो 7 मंथ्स जो है लग रहे हैं अगर आपका जो H-1B का वीज़ा होता है उसमें 80% ऑफ केसेस आर कंप्लीटेड विद इन 7 मंथ। अंदाजन इतने परसेंट केस जो है इस टाइम में ये लोग कर देते हैं और ये उसी हिसाब से होते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जिस ऑर्डर में हम रिसीव करते हैं केसेस उसी ऑर्डर में हम उनको फिर डील करते हैं बारी बारी, और ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरीज हो कुछ हो तो इस टाइम फ्रेम के गुजरने के बाद ही हो, यानी आपका जो भी टाइम लिमिट दिया गया है USCIS की वेबसाइट पे, जब ये टाइम गुजर जाए उसके बाद ही आप वहाँ फ़ोन करें और मालूम करें क्योंकि इतना टाइम तो लगना ही लगना है। तो एक दफ़ा और हम चेक कर लेते हैं I-130 को,
पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव, और इसकी कैटेगरी हम लिख देंगे परमानेंट यूएस सिटीज़न, और यहाँ या चले हम इसको पेरेंट का कर देते हैं कि बहन भाइयों के लिए अगर अप्लाई किया जाता है, कुछ लोग अपने यूएस सिटीज़न होते हैं बहन भाइयों के लिए अप्लाई करते हैं टैक्स सर्विस सेंटर में फॉर इंस्टेंस, तो इसमें कितना टाइम लगता है, तो कह रहे हैं कि 5 मंथ्स लग रहे हैं इस किस्म के केस में। अब ये डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से आता है, ये हर केस की कंडीशन अलग होती है, तो आप इसे बारी बारी खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये है, आई होप कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ होगा, और आई होप कि आप इसे अब ख़ुद से अपने प्रोसेसिंग टाइम्स जो है वो चेक करते रहें, और इसमें जो भी किसी भी किस्म की क्वेरी हो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो इसके थ्रू आप अपने प्रोसेसिंग टाइम्स को चेक कर लेंगे। बस हाउ जैसा मैंने आपको दिखाया, आप इस तरह से इस टूल को यूज़ करके अपने डिफरेंट प्रोसेसिंग टाइम्स को मालूम कर सकते हैं, और ये एक एवर चेंजिंग चीज़ है जो कि हर दिन जो भी अपडेट्स हो रही है, जिस हिसाब से डिफरेंट सर्विस सेंटर, डिफरेंट एम्बेसीज, डिफरेंट कॉन्सुलेट्स काम करें, ये सब कुछ इससे मैटर करता है, इस पर इम्पैक्ट करता है। सो आई रियली होप कि आपका प्रोसेस जल्द अज जल्द हो जाए, एंड आई होप आप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे, बाय।